तोड़ मरोड़ एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा ऐसे लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस में है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। CBI से पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुनाई कहानी। गौरतलब है कि शराब घोटाले के बाद CBI ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान एक कहानी ही सुना डाली। चौथी पास राजा नाम की इस कहानी में क्या कह रहे हैं CM अरविंद केजरीवाल, आइए देखिए। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में, एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए। जिसमें जिस भी चीज पे भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपढ़ आदमी है, पता चल जाएगा। तो उसके भी दिल में ये रहता था, यार मैं पूछूं ना पूछूं, पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। फिर धीरे धीरे राजा को ये
बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया एमए की, बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली, जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपए जुर्माना। आपके नेता की बात नहीं कर रहा। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धासु आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धासु आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी, बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी, राजा को, अनपढ़ राजा था, उसने साइन कर दिए। 3 काले कानून पास हो गए किसानों के, पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि राजा ऐरे गैरे। इससे पहले एक और राजा आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी ऐसे ही करता था, कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता था। अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा, पैसा मेरा।